नमस्कार, कक्षा नौमी हिंदी कोर्स से काव्य खंड पाठ 11 सवैये रसखान के भाग 1, ये दो भागों में सुनाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। अब रसखान मुसलमान कृष्ण भक्त कवि रसखान, जिनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म सन 1548 में हुआ था। उन्होंने गोस्वामी बिल्ठरनाथ से दीक्षा ग्रहण की और ब्रजभूमि में जाकर रहने लगे। उनकी अनुरक्ति कृष्ण के साथ साथ कृष्ण भूमि के प्रति भी थी। सन 1628 के लगभग उनका निधन हो गया। आइए देखते हैं हम पहला सवैया। पहला सवैया है, मनुष्य हो तो वही रसखाने, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण में। मनुष्य बनो, मानुष मैंने मनुष्य। रसखान जी कहते, यदि मेरा मनुष्य का जन्म हो तो मैं ब्रज में गोकुल में और ग्वालों के साथ रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चोरो नित नंद की धेनु मजारा। यदि मेरा जन्म पशु का हो तो मैं नंद बाबा की गायों के साथ रहूं। पहान हो तो वही गिरी को जो किया हरिशत्र पुरेंद्र धारण। यदि मैं पत्थर बनूं, वो गिरी पर्वत का बनूं, जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। जो खग है तो बसेरो करो मिली, यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा कहाँ होना चाहिए, कलिंदी कूल कदब की डारी में। कलिंदी, कलिंदी क्या है, जमुना नदी। कूल मैंने किनारे, कदब मैंने एक प्रकार का पेड़ है, की डारन मैंने डालियों पर, जमुना नदी के किनारे जहाँ गोपियों ने रास की थी, जहाँ कदम का पेड़ है वहाँ मेरा बसेरा होना चाहिए। अब देखिए शब्दार्थ, मनुष्य मैंने मनुष्य, बसो मैंने बसना, ग्वारन मैंने ग्वालो, पशु मैंने पशु, कहा बस मैंने बस में ना होना, चरो मैंने चरना, नित मैंने प्रतिदिन, धेनु गाय, मजारन मैंने बीच में, पहान पत्थर, गिरी पहाड़, पुरंदर इंदर, खग पक्षी, बसेरो मैंने बसना, कलिंदी कूल जमुना नदी का किनारा, कदम एक प्रकार का वृक्ष और डारन मैंने शाखाएं। भावार्थ देखिए, कवि कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कहता है कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ही निवास करूं। यदि मैं पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई जोर नहीं है, मेरा वश नहीं है, फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच में रहना चरना चाहता हूं। यदि पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र के प्रकोप से बचाया था। यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम के पेड़ पर बसेरा बनाऊं जो जमुना नदी के किनारे है, तथा जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। आप काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि एवं कविता का नाम लिखिए। कवि का नाम है रसखान और कविता का नाम है सवैये। मनुष्य रूप में जन्म लेने पर कवि कहाँ बसना चाहता है? मनुष्य रूप में जन्म लेने पर कवि ब्रज के गांव में जन्म लेना चाहता है, जिसमें बाल ग्वाल रहते थे। प्रश्न नंबर 2, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ है? ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम भाव मनुष्य, पशु, पहान, खग के रूप में व्यक्त हुआ है। वह हर रूप में ब्रज भूमि में ही बसना चाहता है। विशेष, ये जो सवैये है ब्रज भाषा में रचित है और इनके ज्यादातर इन पे जो है अनुप्रास अलंकार ही है। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। या लुकटी उरु कमरिया, या लुकटी मैंने लाठी जो लकड़ी की होती है, उरु मैंने और, कमरिया मैंने कंबल, पर राज तिहु को तजी डारो, मैं सारे राज छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आठो सिद्धि नवो निधि, आठ सिद्धियां जो है, नव निधि मैंने नौ जो निधियां है, उसके से ज्यादा सुख किस में है, नंद बाबा की गाय चराने में है। रसखान कहो इन आंखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो,
रसखान जी कहते हैं जो मेरी आंखें हैं केवल क्या ब्रज के भूमि के ही बाग और बगीचों को और तलाव को ही निहारे। कोटि के कल धोत के दाम करील के कुंजन बारी। कोटि के मैंने करोड़ों, कल धोत मैंने सोने चांदी के जो भी धाम है, एक करील मैंने कांटेदारी झाड़ियों के ऊपर वारने के लिए, निशावर करने के लिए मैं तैयार हूँ। अब देखिए शब्द अर्थ। लुकटी मैंने लाठी, कमरिया कंबल, तिहू पर मैंने तीनों लोगों, तीजारों मैंने त्याग दूंगा, विसेरों मैंने भुला दूंगा, कबो मैंने कवि, आंखिन सो मैंने इन आंखों से, तड़ाक का है तालाब, निहारो मैंने देखूंगा, कोटिक मैंने करोड़ो, कल धोत के मैंने सोने का महल, करील मैंने एक कंटीला पौधा होता है, कुंज मैंने झाड़ियों का समूह, बारो मैंने निशावर कर दूंगा। विशेष देखिए इस पैराग्राफ में कवि का कृष्ण और उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति लगाव की अभिव्यक्ति हुई है। अब आठ सिद्धियां क्या है? आठ सिद्धियां में अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति। अणिमा मैंने अनु जैसा हो जाना, महिमा मैंने विशाल आकार बना लेना, लगिमा का होता है छोटा आकार बना लेना, और गरिमा का है भार में वृद्धि कर लेना, प्राप्ति है कुछ भी प्राप्त कर लेना। अब प्राकम्य है कामनाएं पूरी करना, और इष्ट मैंने ईश्वर से, ठीक है ना। आगे भाव देखिए, इस सवैये में रसखान का श्री कृष्ण से संबंधित वस्तुओं के प्रति अनन्य समर्पण भाव प्रकट हुआ है। वे श्री कृष्ण की लाठी और काले कंबल पर तीनों लोकों का साम्राज्य त्यागने को तैयार है। नंद की गायों को चराने से प्राप्त आनंद पर आठों सिद्धियों और नौ निधियों के लाभ को भुलाने को तत्पर है। वे कहते हैं कि वह दिन कब आएगा जब वे अपनी आंखों से ब्रज के वन तालाब और बगीचों को देख पाएंगे। वे तो उन कांटेदार झाड़ियों पर करोड़ों सोने के महल निशावर कर सकते हैं जिनके समीप श्री कृष्ण जी की लीलाएं हुई थी। आगे देखिए काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कभी तीनों लोकों का राज्य किसके बदले छोड़ने को तैयार है? कभी तीनों लोकों का राज्य उस लाठी और कंबल के बदले छोड़ देना चाहते हैं जिसे लेकर श्री कृष्ण गाय चराया करते थे। प्रश्न नंबर दो, कभी नंद की गाय चराने के बदले किसका त्याग करने को तैयार है? कभी नंद की गाय चराने के बदले आठों सिद्धियों और नवो निधियों का सुख त्यागने को तैयार है। आगे ब्रज क्षेत्र के करीलों पर कवि क्या निशावर करना चाहता है? ब्रज क्षेत्र के करीलों पर कवि करोड़ों सोने के भवनों का सुख करना चाहता है। धन्यवाद। अगला जो है